साले कितना बकाया तूने हमें, माल मेरे हवाले कर दे नहीं तो मारा जाएगा। मुझे मरना कबूल है लेकिन ये माल तुम्हें नहीं दूंगा। ये माल तो मैं लेकर ही रहूंगा। माल उठा लिया, तुमने बहुत अच्छा किया। चलो बॉस के पास चलते हैं।
सालो, कल तक मेरे टुकड़ों पे पड़ रहे हो, आज इस दो टकी के आदमी के लिए काम कर रहे हो। जितना मर्जी है मारना है मार लो, माल तो मेरे पास है। माल माल किधर है? मोर किधर है? माल मोर किधर है? माल किधर है? बॉस बॉस ही माल किधर है? माल लेके नहीं आया बॉस। वो एक आदमी तुम लोगों के हाथ से निकल गया, कैसे? नहीं बॉस, वहां अकेला आदमी नहीं था, पूरा गैंग था, पूरा गैंग था वहां पर। साला तुम भी किसी काम के नहीं हो। नहीं बॉस, नहीं बॉस, मेरे पास एक आइडिया है, माल मिल जाएगा बॉस, माल मिल जाएगा। कबीर साला शेर के शिकार के लिए भेजे था, तुम लोग चूजा पकड़ कर ले। नहीं बॉस, ये चूजा नहीं, ये तो हमारे माल लाने का जरिया है बॉस। जिसके पास माल है ये उसका छोटा भाई है बॉस। बॉस, ये बच्चा हमें क्या माल देगा? जब तक ये बच्चा हमारे पास रहेगा, माल हमारे पास खुद बहुत चल कर आएगा। यहां लाने का मकसद क्या है? बॉस के पास चलते हैं। तुम्हें यहां पे बुलाने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है माल। माल तो हमारे कब्जे में है, हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। रही बात बॉस की, तो बॉस तो उनकी कैद में है, और वो लोग बॉस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कब तक हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे? कभी ना कभी तो अपने लिए भी सोचना पड़ेगा। मेरे दोस्त, ये माल होगा तो ये लोग हमारे पीछे आएंगे, पूरे एरिया पे अपना कब्जा करना पड़ेगा, और यही टाइम है कि आज से अपना काम शुरू करें, अपना धंधा शुरू करें। समझे मेरी बात? ये बात तो बिल्कुल सही है, कब तक हम लोगों के लिए काम करेंगे? हेलो, इधर शाम भाई, भाई होने लोग यहाँ मुझे ले आए। भाई कहाँ हो तुम? हेलो भाई, बचाओ मुझे भाई, भाई मेरे भाई, भाई अगर एक घंटे में हमारा माल नहीं पहुंचाया तो तुम्हारे भाई की लाश मिलेगी, लाश। ये तो शाम, कहाँ हो तुम? लेकिन माल के क्या करेंगे? वो साले मेरे भाई को ले गए, तुम्हें माल की पड़ी हुई है? साला कुत्ते वाली गेम खेल गए, अब तो चलना होगा।
वेलकम बैक। मेरा भाई किधर है? ये हमारा मामला है बुजदिलो, बच्चे को बीच में ना लाओ। एक हाथ से माल, दूसरे हाथ से बच्चा। नहीं नहीं, माल नहीं दे रहा मैं तुम्हें, छोड़ दूंगा नहीं। मेरे धंधे से ज्यादा मुझे अपने रिश्ते अजीज थे। आज अपने भाई पे आई तो एहसास हुआ कि अपनों को खोने का दुख कितना तकलीफ से होता है। न जाने कितने मासूम और बेगुनाह लोग हमने चंद पैसों की खातिर मारे, और वो भी इन समाज के भेड़ियों की वजह से। आज मैं इस समाज से तमाम तर गंदगी खत्म कर आया हूं। आज हर बच्चा जिएगा, हर मुस्लिम जिएगा, हर इंसान जिएगा।